2014 में इनकी सरकार आई, 19 तक सरकार में रहे, बात किया था 2 करोड़ रोजगार लेकर आएंगे हर साल, 10% भी आया, बोला था अगर नोटबंदी कालाधन वापस लाई, कालाधन वापस आया, 15 लाख खाते में आएंगे, 15 लाख खाते में नहीं आए। तो अब अपनी पॉपुलैरिटी मेंटेन करने का एक ही तरीका है कि समाज को बांट के रखो, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, डाइवर्ट एंड रूल, यही इनके राज करने का तंत्र है, अंग्रेजों से सीखा था, उनकी दलाली करते थे तो आज वो यही कर रहे हैं। हर किसी में आक्रोश है और इसीलिए हिंदू मुस्लिम कर भी रहे हैं कि समाज बटा रहे, असली मुद्दों पर ना आए। अगर उनको लगता है कि पब्लिक प्रेशर उन पर काम नहीं करेगा, लोग चिल्लाते रहे हम कुछ काम नहीं करेंगे, तो बहुत सारे तानाशाहों को लगा था, फिरौन को भी लगा था वो कभी भी जिंदगी भर दुनिया पर राज करेगा, हिटलर को भी लगा था वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा, ऐसा हुआ क्या? समाज में भी तो एक ध्रुवीकरण हो गया है, समाज में भी तो एक नफरत है, समाज में भी तो हिंदू मुसलमानों के बीच में एक नफरत है, उस नफरत को दूर करना पड़ेगा। आज मुसलमानों को हिंदुओं के त्यौहारों को मनाना पड़ेगा, हिंदुओं को मुसलमानों के त्यौहार को मनाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि हमारा देश अशफाकुल्ला खान और रामप्रसाद बिस्मिल का देश है, सावरकर और हेडगवार का देश नहीं है। तो अगर किसी को लग रहा है कि मुसलमानों पर हमला है, हमारा क्या लेना देना है, तो 18 लोग जो झारखंड में मारे गए उसमें से 11 मुसलमान है, मेजोरिटी मुसलमान है, लेकिन 7 तो नॉन मुस्लिम भी है ना, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, सब लोग हैं, कौन बचेगा? सुबोध कुमार सिंह एक पुलिस वाला, सोचिए अगर पुलिस वाला सेफ नहीं, आप बोल रहे थे आम आदमी, सुबोध कुमार सिंह तो पुलिस वाला था, सुबोध कुमार सिंह की हत्या हो गई और आज उन हत्यारों को छोड़ दिया गया, और हमने देखा वीडियो देखा जब हत्यारे छूटे तो क्या नारे लग रहे हैं। इस वक्त हम झारखंड भवन के बाहर मौजूद हैं जहां पर तबरेज अंसारी की हत्या को लेकर के जो हार्टअटैक में उसको बदल दिया गया है उसका विरोध करने के लिए यहां पर लोग पहुंचे। हमारे साथ में उमर खालिद है। उमर, जिस तरह से इस घटना के पूरे वीडियो थे, साफ तौर पर सुना जा सकता था कि जो भीड़ थी वहां पर वो क्या कुछ कह रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो है इसको हार्टअटैक में बदल दिया गया, क्या कहें आप? चौंक रहे हैं क्या? मैं नहीं चौंक रहा, पहलू खान को भी ये बोला गया कि वो हार्ट अटैक में मारे गए, वहां भी वीडियो शामिल थे। अखलाक के केस में देखा, सब लोगों को छोड़ दिया गया, छोड़ने के बाद सरकार के मंत्री जाके उनसे जेल में मिलके भी आए, छोड़ने के बाद उनको अपने रैली में पहली सीट भी दी। अलीमुद्दीन अंसारी के कातिलों को दोषी पाता है कोर्ट, उसके बावजूद उनको मंत्री जाके माला पहनाते हैं। तो एक तंत्र काम कर रहा है हत्यारों को बचाने के लिए, देश में अपराधीकरण बनाने बढ़ाने के लिए, अपराधियों को संरक्षण देने के लिए। आज इसके खिलाफ आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। अगर तबरेज अंसारी को इंसाफ नहीं मिलता तो पता नहीं कितने और तबरेज अंसारी होंगे। अखलाक को अगर इंसाफ मिला होता तो आज तबरेज अंसारी जिंदा होता, आज पहलू खान जिंदा होता, आज जुनैद जिंदा होते। इंसाफ का नहीं मिलना गुंडों को शह दे रहा है। लेकिन वही सवाल ये भी उठता है कि इतने हाई प्रोफाइल केस में, चाहे पहलू खान का केस हमने देखा, उसके बाद में अब तबरेज का केस देखा, तो अगर ऐसे में इंसाफ नहीं होगा तो एक आम जनमानस के मन में क्या भावनाएं आएंगी, और जो जो इस तरह के लोग हैं वो तो और ज्यादा फले फूलेंगे। बिल्कुल, और यही हो रहा है। जो अगर तबरेज अंसारी या अखलाकी सब आम लोग ही थे, जो आप हाई प्रोफाइल बात कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल केस तो इसलिए बने मरने के बाद लोगों ने उनके इंसाफ की आवाज उठाई, लेकिन हम लोगों के जो इंसाफ की आवाजें हैं, इतनी सारी घटनाएं, अगर आप मुझसे सबके नाम पूछेंगे कितने लोगों को मारा गया तो मैं सबके नाम भी नहीं बता सकता। 50 से ऊपर लोग हैं जिनको मार दिया गया पिछले 5 सालों में। हम लोग 4 दिन तक प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद मामला ठंडा हो जाता है, फिर जब अगली घटना होती है जब हमको याद आता है। लेकिन इस बीच के दौरान एक तंत्र काम कर रहा है, एक सिस्टम काम कर रहा है, वकील दिए जाते हैं आरोपियों को, जो बड़े बड़े वकील दिए जाते हैं, पुलिस केस वीकेंड करती है। उस समय कोई सुपरविजन नहीं कर रहा होता, उस समय कोई विजिलेंस हमारी तरफ से नहीं होती। जब तक नागरिक अपना विजिलेंस नहीं बनाएंगे, जब तक नागरिक काम नहीं करेंगे, तबरेज अंसारी केस में भी पहले दिन तबरेज अंसारी के हत्यारों को नहीं पकड़ा गया था, तबरेज अंसारी को गिरफ्तार किया गया था। जब उसकी मौत हुई और देश भर में आक्रोश हुआ, उसके बाद तो तबरेज अंसारी के वो जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया, वरना वो गिरफ्तार भी नहीं होते। पब्लिक प्रेशर में ही गिरफ्तारी भी हुई थी, तो अगर पब्लिक प्रेशर हट जाएगा तो इंसाफ नहीं मिलेगा। पब्लिक प्रेशर इज द ओनली वे। लेकिन दूसरा, बीजेपी वहां पर भी पूर्ण बहुमत में है, यहां पर भी पूर्ण बहुमत में है, आपको लगता है कि उसको उसके ऊपर कोई पब्लिक का प्रेशर है? देखिए, तानाशाहों को लगता है कि वो हमेशा राज करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज आप उसी झारखंड में देखिए तो ऐसा नहीं कि एक मुसलमानों पे हमला हो रहा है, उसी झारखंड के अंदर आदिवासियों पे हमला हो रहा है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, संताल परगना टेनेंसी एक्ट, उनको डाइल्यूट किया जा रहा है, वहां बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाया जा रहा है उनकी जमीन छीनने के लिए। तो हर किसी में आक्रोश है और इसीलिए हिंदू मुस्लिम कर भी रहे हैं कि समाज बटा रहे, असली मुद्दों पर ना आए। अगर उनको लगता है कि पब्लिक प्रेशर उन पर काम नहीं करेगा, लोग चिल्लाते रहे हम कुछ काम नहीं करेंगे, तो बहुत सारे तानाशाहों को लगा था, फिरौन को भी लगा था वो कभी भी जिंदगी भर दुनिया के राज करेगा, हिटलर को भी लगा था वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा, ऐसा हुआ क्या? आप लगातार जो है मॉब लिंचिंग को लेकर के सख्त कानून बनाने की मांग करते रहे, वहीं सरकार नकारती रही। हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, लेकिन ना सरकार कानून बना रही है ना इस तरह की जो घटनाएं हैं वो रुक रही हैं, फिर ऐसे में क्या होगा? ऐसे में हम नागरिकों को अपना नागरिकता का अधिकार, अपना जो राइट है उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा। अगर हम सड़कों पर नहीं आएंगे, जिंदा कौम में 5 साल का इंतजार
नहीं करती हैं। और ऐसा नहीं है कि वो अगर सरकार में आ गए हैं तो उनको ओपन लाइसेंस है कुछ भी करें। उनको मैंडेट हत्या करने का नहीं मिला है, उनको मैंडेट हत्यारों को बचाने का नहीं मिला है, उनको मैंडेट विकास करने का मिला है। जो बात वो करते हैं उनका दावा कितना सच है कितना झूठ है वो तो बाद में करेंगे, लेकिन ये उनको मैंडेट मिला है। लेकिन अगर उस मैंडेट का इस्तेमाल वो सांप्रदायिकरण के लिए करेंगे, अपराधीकरण के लिए करेंगे, तो आज नागरिकों को बाहर आना पड़ेगा। आज नागरिकों को आपस में बात करनी पड़ेगी। समाज में भी तो एक ध्रुवीकरण हो गया है, समाज में भी तो एक नफरत है, समाज में भी तो हिंदू मुसलमानों के बीच में एक नफरत है, उस नफरत को दूर करना पड़ेगा। आज मुसलमानों को हिंदुओं के त्यौहारों को मनाना पड़ेगा, हिंदुओं को मुसलमानों के त्यौहारों को मनाना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा कि हमारा देश अशफाकुल्ला खान और रामप्रसाद बिस्मिल का देश है, सावरकर और हेडगवार का देश नहीं है। लेकिन वही सीएम रघुवर दास से पूछा गया कि चुनाव के बारे में, उन्होंने कहा कि इस बार कैसी सीटें जीतेंगे, तो ऐसे में तो उनके मैंडेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसी जो घटनाएं हो रही है, पहलू खान, तबरेज अंसारी, लेकिन उनके मैंडेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही तो मैंडेट भी तो ऐसे हासिल कर रहे हैं, वो मैंडेट ऐसे हासिल कर रहे हैं। बताइए 2004 में 2014 में इनकी सरकार आई, 19 तक सरकार में रहे, बात किया 2 करोड़ रोजगार लेकर आएंगे हर साल, 10% भी आया, बोला था नोटबंदी कालाधन वापस लाई, कालाधन वापस आया, 15 लाख खाते में आएंगे, 15 लाख खाते में नहीं आए। तो अब अपनी पॉपुलैरिटी मेंटेन करने का एक ही तरीका कि समाज को बांट के रखो, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, डाइवर्ट एंड रूल, यही इनके राज करने का तंत्र है। अंग्रेजों से सीखा था, उनकी दलाली करते थे, तो आज वो यही कर रहे हैं। आज भी रघुवर दास को यही लग रहा है कि हमने इतना जहर घोल दिया है, इतनी सारी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो गई हैं, इतना सांप्रदायिकरण हो गया है, इतना अपराधीकरण हो गया है, कि इस अपराधीकरण सांप्रदायिकरण के बल पर हम लोग सब चुनाव जीत जाएंगे, तो ये उनको लग रहा है। लेकिन ये अब समाज को खड़ा होना पड़ेगा। अगर समाज अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को नहीं समझेगा, अगर समाज अगर हम बढ़ जाएंगे, तो अगर किसी को लग रहा है कि मुसलमानों पर हमला है, हमारा क्या लेना देना है, तो 18 लोग जो झारखंड में मारे गए उसमें से 11 मुसलमान हैं, मेजोरिटी मुसलमान है, लेकिन साथ तो नॉन मुस्लिम भी है ना, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, सब लोग हैं, कौन बचेगा? सुबोध कुमार सिंह एक पुलिस वाला, सोचिए अगर पुलिस वाला सेफ नहीं, आप बोल रहे थे आम आदमी, सुबोध कुमार सिंह तो पुलिस वाला था, सुबोध कुमार सिंह की हत्या हो गई और आज उन हत्यारों को छोड़ दिया गया, और हमने देखा वीडियो देखा जब हत्यारे छूटे तो क्या नारे लग रहे थे, तो इसके खिलाफ हमको बोलना पड़ेगा। झारखंड में जो है दलित और मुसलमान जो है बड़ा वोट बैंक है, और अभी हाल ही में कुछ समय मैं उन लोगों से अपील करता हूँ कि आज इस सरकार जो दलितों के मुसलमानों के अधिकारों पर हमला कर रही है, उस सरकार के खिलाफ एकजुट हो, आंदोलन करें और चुनाव में हराएं। आप जाएंगे वहां पर प्रचार? अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है, अभी चुनाव में समय है। तो ये थे उमर खालिद जो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को हराने के लिए सरकार जनता को जो है सड़कों पर उतरना होगा, और जिस तरह से जो मैंडेट उनको बीजेपी को दिया गया था वो मैंडेट विकास करने के लिए दिया गया था, लोगों की हत्याएं करवाने के लिए नहीं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरें लगातार देखने के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।